दिल्ली के चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे ने जोर पकड़ा तो नतीजे चमत्कारी आए। अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो सियासी दल इसी मुद्दे को भुनाने में लग गए हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी चमत्कारिक नतीजों की उम्मीद कर रही है, लेकिन चमत्कार हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं। फिर भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को तूल देकर दिल्ली की सत्ता हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी वही चाल चल रही है। यही कारण है कि पार्टी के शपथ पत्र में पहला स्थान भ्रष्टाचार की समस्या को दिया गया है और प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। किसी भी शहर में या किसी भी जिले में एसपी की पोस्टिंग होती है, पैसे देके पोस्टिंग होती है, कलेक्टर की पोस्टिंग होती है, पैसे देके पोस्टिंग होती है, ये सारी पोस्टिंगें हम बिल्कुल फ्री में करेंगे। अच्छे अधिकारियों को हम प्रोत्साहन देंगे, उनको हर तरह की हम सुविधाएं मुहैया कराएंगे और भ्रष्टाचार रोकने की उनसे हम अपील करेंगे और ऐसा न करने पर हम ये कानून बनाएंगे कि यदि भ्रष्टाचार किया किसी ने तो तत्काल उसे बर्खास्त करेंगे। उधर दूसरी तरफ लंबे अरसे से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस भी इसको लेकर सरकार पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस के नेता भी इसको लेकर शिवराज सरकार के मंत्रियों विधायकों को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तो बीजेपी इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और वो कांग्रेस की जमाने से सामने आए रिश्वतखोरी के मसलों को जोर शोर से उठाकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी जिला कोषाध्यक्ष दिलीप मुद्गल का साफ कहना है कि बीजेपी का रिश्वतखोरी से कोई लेना देना नहीं है, सबका साथ सबका विकास ही पार्टी की नीति है। भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस के समय में कांग्रेस की सरकारों ने किया है, जैसा आपने पिछली बार देखा है, जो यूपीए की सरकार थी उसमें ए से लेकर जेड तक घोटाले किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुशासन और विकास की और सबका साथ सबके विकास के आधार पर आगामी चुनाव लड़ना चाहते। सियासी दलों के जन प्रतिनिधियों के बीच जुबानी जंग अभी शुरुआत हुई है। जाहिर है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे नए नए मुद्दे भी विपक्ष सरकार के खिलाफ उठाएगा। फिलहाल विपक्ष पार्टी को इन्हीं मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोर देने से बनी है। अब जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव होना है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल इस मुद्दे पर जोर देने में लगे हुए हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। सौरभ दुबे, हिंदी खबर, शिवपुरी। भाई आपको भोपाल से एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल का बयान सामने